ये हमारा टर्बो प्लस डिवाइस है, इसका यूज हम हमारी एलसीडी टीवी को और मॉनिटर को एज ए वाइट डिजिटल वाइट बोर्ड के एज ए डिजिटल वाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और इससे हम लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एज ए यूट्यूब यूज कर सकते हैं। ये इसके मेन पार्ट होते हैं। इसमें हमें एक एस पेन मिलता है, ये एस पेन चार्जिंग केबल और ये कीबोर्ड्स, वायरलेस कीबोर्ड होता है। ये हमारी एच डी एम आई कनेक्टर होती है, कनेक्टर वायर एंड चार्जिंग केबल्स फॉर टर्बो प्लस के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले ये पोर्ट दिखाई दे रहा है, जो हमें यहाँ पे हम पावर केबल या ये अडेप्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने ये लगा दिया और इसके बाद ये हमारी है एच डी एम आई केबल, तो एच डी एम केबल को हम यहाँ अटैच करेंगे। ये लग गई हमारी एच डी एम आई केबल्स एंड माउस, इसके लिए हमें माउस भी चाहिए होगा। ये माउस है हमारा, माउस को सा भी यूज कर सकते हैं, वायर्ड भी और वायरलेस भी। सबसे पहले तो वायर्ड ही लगेगा यहाँ, क्योंकि हमें सेटिंग करनी होती है और पोर्ट नहीं दिए गए यहाँ पे, ओनली वन ही पोर्ट है अगर हम वाईफाई अटैच करते हैं तो। ये हमने लगा दिया यहाँ पे माउस, ये माउस लग गया हमारा। अब हम इसको हमारी एलसीडी पे अटैच करेंगे। अब हम इसको एलसीडी पे बाउंड कर रहे हैं सर टर्बो प्लस को। पीछे से स्क्रू टाइट करेंगे उसका। टर्बो प्लस को सेंटर पे लगा के एंड फिर इसका स्क्रू टाइट करेंगे। ये हमारा सेकेंड वाला एच डी एम आई पोर्ट है, ये हम अपनी एल सी डी में लगाएंगे। अब हम टूटर प्लस को पावर सप्लाई देंगे एंड एल सी डी को भी। एल सी डी को ऑन करेंगे, ये हमारी एल सी डी ऑन हो रही है। अभी ये हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है और हमने एचडीएमआई पोर्ट को एचडीएमआई 2 पोर्ट में लगाया है। अभी हम कुछ सेटिंग करेंगे। चलो यहाँ पे हमने एचडीएमआई 2 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने केबल को एचडीएमआई 2 पोर्ट में ही लगाया है। सेटअप के लिए हम वायर्ड माउस का यूज करेंगे। मैनुअल कैलिब्रेशन में जाएंगे और अब हम एलसीडी को कैलिब्रेट करेंगे। जो हमें डॉट के निशान दिखाई दे रहे हैं, हम वहां पे टैप करेंगे, दोबारा से टैप करेंगे तीसरी बार और टैप करते जाएंगे। यस, पहले हम कैलिब्रेशन से पहले भी हम पहले पॉइंटर सेट करेंगे। अभी पॉइंट सेंटर में नहीं आ रहा, अभी हमने पॉइंटर को सेट में कर दिया है। टर्बो प्लस को 0 पे सेट कर दिया, उसको सेंटर में सेट कर दिया है। अब हम दोबारा से कैलिब्रेशन करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुल हो गया कैलिब्रेशन। अब हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे।
ऑटो और ओके। अभी हमारा वाइट होम पेज, अभी हमारी एलसीडी कैलिब्रेटेड हो चुकी है और हम इसको वाइट बोर्ड बनाने के लिए एआई कैनवस पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एज ए बोर्ड कन्वर्ट हो गई है और इससे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।